न्यू ईयर 2020 के लिए बहुत कुछ कहना चाहती हूँ. 2019 आज के बाद में वी आर सेइंग कि गुड बाय, बट उसके साथ में 2020 के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम सबके माइंड में है कि आगे इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, इफ़ वी टॉक अबाउट यूथ एंड जो ग्रोथ है कंट्री की, स्टेट की, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं सभी को. क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें कि 65% ऑफ द कंट्री जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, तो जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं हर सेक्टर में, वेदर एग्रीकल्चर है, एवरीवेयर बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, और आगे आने वाला साल सभी के लिए बहुत अच्छी एक गुड प्रोस्पेक्टिव रहेगा. अर्निंग्स इंक्रीज़ होंगी तो आज ओवरऑल कंट्री पे भी बहुत इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ होगी. इसके साथ में मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि 2019 ने भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है इवन हर तरीके से. सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 2020 में जो मुझे लगती है फ्यूचर में, वो यही है कि आज की डेट में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉलेज पार्ट, तो अर्लियर नॉलेज वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट येस दैट वॉज द ओनली थिंग. इफ समवन इज़ हैविंग अ नॉलेज एंड डिग्री तो वो आगे कहीं भी सक्सेसफुल हो सकता था. बट अभी जो सिनेरियो है 2020 में स्किल्स बेस्ड प्रोग्राम्स पे और नॉलेज प्लस स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, और वही लोग जिनकी एक्चुअल स्किल्स डेवलप हैं नॉलेज के साथ वो आगे बढ़ पाएंगे. दे विल बी गेटिंग द एक्चुअल सक्सेस. और आगे आने वाले ईयर्स में भी 2020 से स्टार्ट करके आज स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, जो मुझे ऐसा लगता है. और मैं बाकी न्यू ईयर के लिए बहुत मैनी मैनी विशेस फ्रॉम माय साइड कि एवरीवन शुड ग्रो इन अ बेस्ट वे इन 2020. बहुत अच्छी खुशियाँ लेके आए सब तरीके के जो लोग हैं, हर किसी हर कैटेगरी के अंदर में वो बहुत अच्छा रहे. क्योंकि मैंने जैसी बात की, आज एक रेजोल्यूशन भी मैं चाहती हूँ कि मेरा एक मैसेज है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम यूथ के साथ ही रहती हूँ, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं तो, एंड इंडिया में भी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एक बहुत ही गलत आदत की तरफ जा रही है, जो कि मैं चाहती हूँ 2020 में रेजोल्यूशन पे अल्कोहल, टोबैको या किसी भी टाइप का जो नशा है आज यूथ को उससे बचने का रेजोल्यूशन लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आज की डेट में आगे बढ़ने के लिए सभी के लिए, एंड ओवरऑल कंट्री के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है. तो उनको ये रेजोल्यूशन ज़रूर लेना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ पाएँ, पेरेंट्स का अपना सपना पूरा कर पाएँ और आगे देश को भी बहुत आगे तक लेके जाएँ. थैंक यू.